वो एक्चुअली ना आजकल अपने बी प्रैक जो है ना वो बड़े फॉर्म में है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक चूसा हुआ गाना निकाला था, जिसको बार बार उन्होंने जनाब उसके ऊपर दे दे के ना अपने इंस्टा स्टोरी के ऊपर। मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ा उन्हीं की आईडी के ऊपर, तो वहाँ पे बंदा कहता है सर इस सॉन्ग को अब अपलोड करना छोड़ दें, अगर ये आपका सॉन्ग की तरह काबिल हुआ ना कि जिसने हिट होना हो ये खुद ही हो जाएगा, सेम एज लाइक वे तेथों मेरा मन भरिया। ठीक है, तो आप इसको बार बार ना चढ़ाएं। तो अब उनका एक नया सॉन्ग फाइनली आ गया है, तो देखते हैं उसमें क्या हुआ है। और लरिस वही जानी के हैं हाँ, और इस नवाजुद्दीन सिद्दीकी वही और वाला, शहनाज गिल मेरा को। यार रो रहा है हाँ बारिश की जाए, हंस रहा है हाँ सॉरी। तो अब उसकी जगह शहनाज लिया है और तो अब नवाजुद्दीन देखते भाई हैं वही है। बारिश होती है क्या होता अब है। देखते हैं बादल ही गरज जाएंगे। चलो जी, आई थे रात कहा था ना। वही हाँ साला, कोई दिवाली नहीं मनाएगा इस घर में। पहले फरी था वो कहेगा उरे आओ, भाई ये मुझे लगता है उसी का पार्ट दो टू है। खबरें, दो पहले कौन सी सुनो? खबरें अच्छी पहले वाली कौन सी सुनो, सुनो, दोनों दोनों बुरी हैं भाई। बड़े सिद्दीकी जियो वाली साइड साला, दिल भी गया और लेवल भी। की काट मुझे लगता था नशे में तुझे पूरी चीज भूल फॉलो की है उसमें भी जाऊंगा, यही करता है। मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं वफा नहीं करते। बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बाग का भाई तुम्हें फूल तो लगता है कि मुरझाया चलो हुआ समझ नहीं है, बनती है क्या मेरी शराब लाइन? पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है, शराब पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये ट्यूनिंग समझो की वो करी है। यार का सताया हाँ हुआ लव इट। है, हम पीते नहीं हैं पिलाई गई अब तक ना वो भुलाई गई, जो गबरों पे बैठ के शायरी करे वो जख्मों ने शायर बनाया हुआ है, जरा पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो यार का सताया हुआ है, मेरे यार पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो यार का सताया हुआ है। हेलो, मैंने भिजवाई उसे झूठी खबर के दुनिया से दूर मैं पक्का हुआ, ओ मैंने भिजवाई उसे झूठी खबर के दुनिया से दूर मैं पक्का हुआ, ओ तुझ पे जो मरता था मर गया जानी, तुमने कहा चलो अच्छा हुआ, ओ लोगों को देखा दफनाते हैं लोग, मैंने मुझे दफनाया हुआ है, शराब पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है, मेरे यार पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है। सच बोलूं रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है, शराब पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है, मेरे यार पी दे जिसके हाथ कांपते हो, ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है। Thank you.
शाबाश। नहीं नहीं ये तो इसको कार्ड आ गया था ना। नहीं वही कह रहा हूँ कि उसने इतनी सी बात पे आ गया तो चलो टाटा बाय, उसने भी कर ली। हाँ भाई मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है। बस इन्होंने देखा ना, देखो बारिश की जाए कभी साइड पे। असल में ना नमाज का तो ऐसे ठीक है, नमाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जस्ट एक्टिंग करनी थी, वो अपनी एक्टिंग निभा के भाई और जा रहे हैं। वो जो दूसरी हमारी क्या नाम है शहनाज गिल, उसने भी एक्टिंग करनी थी, वो एक्टिंग निभा के वो जा रही है, उसने अपने पैसे लिए जेब में डाले वो जा रही है। यार मुझे इनसे ये पूछना जानी साहब, अरविंदर ने जानी साहब ने कुछ नहीं किया, अरविंदर खैरा ने किया, इधर डायरेक्टर है अरविंदर खैरा है, तो चलो डायरेक्टर है ना। जानी ने तो लिख दिए, उसने दे दिए, ये देखो ये कंपोज किसने किया, लिरिक्स एंड कंपोजर जानी, तो कंपोजर भी चलो सही है, कहानी नहीं बनी ना जानी, कहानी नहीं बनी ना। असल में यार ये लोग ना अपने उस ट्रैक के ऊपर नहीं आ रहे जो इनका पहले ट्रैक चल रहा था। ठीक है देखो वो ना क्या था अभी, क्या लोग है तुम आया हुआ था, हाँ। एक अजीब सी चुस्त, वो तो ठीक है। उसके बाद आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं जो अक्षय कुमार के साथ इनके दो तीन सॉन्ग से पहले फिलहाल वाले, हाँ। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, वो तो सही था। कैसा सॉन्ग था उसका, पार्ट टू आया समझ आई, चलो पार्ट टू आया मजा आया उसका। ठीक है अभी इन्होंने जो पकड़ लिया है मेरी समझ से बाहर है ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ये कोई मजा ही नहीं आया उसका, ना उससे वो कंपोजिंग सही बनी है कि यार इस सॉन्ग को इस तरह आना चाहिए। वो एक अब पता नहीं बाहर से वो लोग ट्यून्स को ला रहे हैं अपने पंजाबी में यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले वाला यूज़ किया वो तुमने देखा था ना किस टाइप का सॉन्ग उसके अंदर साउंड था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ था। यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये भी कोई और टाइप का पंजाबी वर्जन नहीं है ये, और तुम्हारे सामने है ना सतेंद्र सरताज का भी तो सुनते हैं ना, उसके अंदर मेलोडियस जो साउंड होता है वो किस टाइप का, तो वो पंजाबी फोक थोड़ा सा टच कर रहा होता है। इतने कुछ हेर पैर ही नहीं हवाई लिरिक्स का, वो एक बस एक गज़ल में पढ़ने का तरीका में अगर जाएं तो वो ठीक था कि जी ऐसे हो तो वैसे, बाकी वो सॉन्ग के अंदर वो निभा नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, नहीं बैठ रहा। बाकी अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई जान दिल से माजा, मुझे कोई वो क्या कहते हैं पर्सन कि मैं मेरी से दुश्मनी नहीं है, बट जो रियलिटी है वो यही है कि ये सॉन्ग जो इनके अब फिलहाल को देखें बंदा अभी तक याद करता है उस सॉन्ग को, सुने तो अभी भी दोबारा उनकी जो दोनों दो उसके पार्ट थे तो बंदा दोनों को जो है सुनने का दिल करता। बारिश की जाए का भी जो साउंड था वो अच्छा था, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग भी अच्छी थी मेरे ख्याल से, वहीं से कंटिन्यू करके वहाँ पे उसको बदमाश टाइप बनाया हुआ था नवाजुद्दीन को, और बाद में इधर नवाजु को अब वो अल्कोहलिक फील उसमें बना दिए। तो बाय द वे ठीक है, क्या कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए यार, ये बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं, सोचना चाहिए इतने एक तो दड़ा दड़ा बंदा बनाता जाता है, यानी कि ये भी तो है ना बनाते जा रहे थे तो बंदे के बाद वो आइडियाज खत्म हो जाते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह रिजित ने अभी पसूड़ी किया था, ठीक है, तो अब वो ओरिजिनल पसूड़ी और वो भाई आपने लेना ही है कोई इस तरह का सॉन्ग तो उसको रिक्रिएट कराने की जरूरत क्या, ओरिजिनल दो लो वहीं पर रो चेप दो साउंड चेंज करना उन्हीं से बुला के गवा लो वो अच्छा गा देंगे, जिस तरह का वो बेड़ा कर रखा हुआ है यहाँ पे भी हुआ हुआ है। बाय द वे ये हमारा था छोटा सा इसके ऊपर रिव्यू, छोटा नहीं थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि एक अच्छा कलाकार और एक अच्छा एक्टर, एक्टर ने तो चलो अपना एक काम निभा दिया, एक अच्छा राइटर और बी प्रैक जैसा सिंगर हो तो इनको ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसके अंदर, उनसे बंदा इस तरह की वो उम्मीद नहीं रखता। हाँ 7 से ऊपर ये 71 समथिंग 11 ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। चलें बाकी अब फिर मिलते हैं आपको किसी और इस तरह की वीडियो में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब अगर इनका कोई एल्बम आ रहा है तो वो अच्छा ही आगे कुछ आए, इस तरह की कोई हमें ना दें तो अच्छा। चले तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।